व्हाट्स अप गाइस, रोमन रेंस के ऊपर लाइफस्टाइल बोला था लोगों ने, उसके ऊपर हम लेके आए थे. अब हम लाए हैं द रॉक के ऊपर, द रॉक लाइफस्टाइल, उनकी इनकम, हाउस, डॉटर, कार, फैमिली, बायोग्राफी, पूरी चीज पता लगेगी इसके अंदर. और सेलिब्रिटी न्यूज चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में. बहुत अमेजिंग वीडियोज होती है, चैनल पर जरूर चेकआउट करना. और द रॉक की आपकी फेवरेट मूवी जरूर बताना कमेंट करके, आपकी कौन सी. और WWE में तो अपनी महारती हासिल करी एक्टिंग में भी. अभी रेड, हमने लेटेस्ट मूवी रेड नोटिस देखी थी. किस किसने देखी रेड नोटिस बताना यार, नेटफ्लिक्स बहुत गजब मूवी थी. तो साथ में एंजॉय करते हैं. चैनल बने तो फटाफट से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना और किन वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हैं. रॉक ओपन द कमेंट. 1, 2, 3. दोस्तों, आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे रेसलिंग की दुनिया के सबसे फेमस रेसलर्स में से एक, द रॉक के बारे में, या आप इन्हें ड्वेन जॉनसन भी कह सकते हैं. द रॉक एक फेमस रेसलर होने के साथ साथ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर भी हैं. अगर आप इनकी लाइफस्टाइल वीडियो देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको द रॉक पसंद है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो. अगर आप दिल से रॉक को पसंद करते हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है. तो चलिए शुरू करते हैं. बायोग्राफी. दोस्तों, द रॉक का रियल नेम है ड्वेन जॉनसन और इनका रिंग नेम है द रॉक और इनका निक नेम है रॉकी. रॉक का जन्म 2 मई 1972 को कैलिफोर्निया US में हुआ और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 48 ईयर्स. द रॉक एनॉय फैमिली के मेंबर हैं, जिस फैमिली ने बहुत सारे रेसलर्स ने जन्म लिया है. और आपको बता दें कि रोमन रीन्स भी एनॉय फैमिली से ताल्लुक रखते हैं. रॉक को बचपन में रेसलिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वे तो बड़े होकर एक फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. रॉक ने अपनी स्कूलिंग रिचमंड रोड प्राइमरी स्कूल से की और उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी में एडमिशन ली क्रिमिनोलॉजी और फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए. रॉक पेशे से एक एक्टर, रेसलर, फिल्म और बिजनेसमैन है. अब चलिए दोस्तों बात करते हैं द रॉक के कैरियर की. द रॉक ने अपनी कॉलेज स्टडीज कंप्लीट करने के बाद एक साल तक रेसलिंग की ट्रेनिंग ली प्रोफेशनल रेसलर बनने के लिए. ट्रेनिंग लेने के बाद 1996 में रॉक ने WWF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्होंने 4 नवंबर 1996 को अपना पहला प्रोफेशनल रेसलिंग मैच खेला. इसके बाद रॉक ने अपना दूसरा मैच 17 नवंबर 1969 को सर्वाइवर सीरीज में खेला और इस मैच में उन्होंने क्रस्ट और गोल्ड डस्ट को हराया. इसके बाद 13 फरवरी 1997 को मंडे नाइट के कंपटीशन में रॉक ने ट्रिपल एच को हराकर रेसलिंग की दुनिया में अपनी एक पहचान बना ली और यहां से रॉक की कामयाबी का सफर शुरू हो गया. अगस्त 1997 में रॉक ने एक टैग टीम बनाई जिसका नाम था नेशन ऑफ डोमिनेशन और इसके बाद रॉक ने 2000 का रॉयल रंबल चैंपियनशिप भी जीता. आपको बता दें कि रॉक ने करीब करीब 8 बार WWE चैंपियनशिप, 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और 5 बार WWF टैग टीम चैंपियनशिप जीती है. 1996 से लेकर 2004 तक रॉक ने फुल टाइम रेसलिंग की और दुनिया के अमीर तरीन रेसलर बन गए, लेकिन 2004 के बाद इन्होंने रेसलिंग पार्ट टाइम कर दी. 2004 के बाद रॉक ने हॉलीवुड में एक्टिंग करने की ठान ली और इन्होंने 2002 में द स्कॉर्पियन किंग मूवी में लीड रोल प्ले किया. और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी के लिए रॉक को $5.5 million पे किए गए थे, जो उस वक्त की हाईएस्ट पेड सैलरी थी उन एक्टर्स की जो पहली बार एक्टिंग कर रहे थे. रॉक ने अपने करियर में कई सारी सुपरहिट मूवीज दी हैं, जिनके नाम है द मम्मी रिटर्न्स, जुमानजी, फास्ट एंड फ्यूरियस, बेवॉच और रैम्पेज. दोस्तों, आपको रॉक की कौन सी मूवी पसंद है हमें नीचे कमेंट करके बताएं और रॉक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें. अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रॉक के अवार्ड्स के बारे में. रॉक को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में और उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. भाई साहब, नेक्स्ट लेवल. अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं रॉक की फैमिली से. रॉक के फादर का नाम है रॉकी जॉनसन. रॉक की माँ का नाम है एता जॉनसन. रॉक की बहन का नाम है वेंडो बॉल्स. रॉक के भाई का नाम है कर्टिस बॉल्स. रॉक की एक वाइफ का नाम है लॉरेन हाशियन और दूसरी वाइफ का नाम है डेनी ग्रेशिया. रॉक की 3 बेटियां हैं जिनके नाम है अलेक्जेंड्रा जॉनसन, जैस्मिन जॉनसन और जिया जॉनसन. 3 बेटियां. अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं द रॉक की इनकम की. नेक्स्ट लेवल.
रॉक एक मूवी करने के 21 मिलियन डॉलर्स चार्ज करते हैं और ये रुपीज में लगभग 120 करोड़ रुपए तक होते हैं। रॉक की ज्यादातर इनकम इनकी ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है और इनके अपने बिजनेसेस से आती है। इसके अलावा रॉक के पास 52 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज भी हैं, उनसे भी इनकी अच्छी इनकम होती है। मेहनत, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रॉक की नेटवर्थ की। रॉक की नेटवर्थ है 320 मिलियन डॉलर्स और ये रुपीज में लगभग 2500 करोड़ रुपए होती है। क्या बात है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रॉक के हाउस की। रॉक के पास जॉर्जिया में एक शानदार महल जैसा घर है जिसकी प्राइस है 9.2 मिलियन डॉलर्स और ये रुपीज में 60 करोड़ रुपए तक होती है। और इन फोटोज और वीडियोज में आप उनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। बहुत सुंदर है, तो पूरा एक वैसा होगा ना, बहुत ही अलग ही दुनिया से हो गई है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, सुंदर कह रहा हूँ, सुंदर, बहुत सुंदर है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रॉक की कार्स कलेक्शन के बारे में। रॉक के पास एक लैम्बोर्गिनी हुराकैन है जिसकी प्राइस है 261,000 डॉलर्स। रॉक के पास एक कैडिलैक एस्केलेड भी है जिसकी प्राइस है 93,000 डॉलर्स। ये वो फादर को जो गिफ्ट की थी। शायद से। रॉक के पास एक रेंज रोवर स्पोर्ट्स भी है जिसकी प्राइस है 60,000 डॉलर्स। एसयूवी से रॉक के पास एक फोर्ड मस्टैंग भी है जिसकी प्राइस है 50,000 डॉलर्स। मस्टैंग बहुत बड़ा बुलेट भी तो है। फिर रॉक के पास एक फोर्ड F-150 भी है जिसकी प्राइस है 35,000 डॉलर्स। गजब यार, गजब। रॉक के पास एक BMW i8 भी है जिसकी प्राइस है 1.5 लाख डॉलर्स। सारी गाड़ियां हैं। 1.5 लाख डॉलर। रॉक के पास एक रोल्स रॉयस रेथ भी है जिसकी प्राइस है 3 लाख डॉलर्स। भाई साहब गजब। रॉक के पास एक लेफरारी अप्रेटा भी है जिसकी प्राइस है 10 मिलियन डॉलर्स। 10 मिलियन डॉलर्स। क्या सेक्सी लग रही गाड़ी यार। रॉक के पास एक पेगानी हुआरा भी है जिसकी प्राइस है 1.4 मिलियन डॉलर्स। रॉक के पास अपना एक प्राइवेट जेट भी है जिसकी प्राइस है 65 मिलियन डॉलर्स। ये तो यूज नहीं किया था उसमें, रेड नोटिस में। रॉक के पास अपना एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी है जिसकी प्राइस है 30 मिलियन डॉलर्स। अब ज्यादा स्मार्ट लगते है ना, मतलब उस टाइम से बाल वाल से तो अब ज्यादा स्मार्ट लगता है। तो ये थी द रॉक की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप रॉक के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस रेसलर पर चाहते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कमेंट करके बताना। जो बताने का तरीका बहुत ही स्वीट है और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि आप जर्नी एंजॉय कर रहे हो एक सेलिब्रिटी की। थैंक यू यार फॉर क्रिएटिंग सच एन अमेजिंग वीडियो। ऐसी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो सेलिब्रिटी न्यूज चैनल के ऊपर। और अब बात करी जाए इनकी लाइफस्टाइल की। देखो लाइफस्टाइल ना ऐसे नहीं मिलता मजाक में, सो के उठे और 10 गाड़ी बाहर खड़ी है। कहां से शुरू किया था करियर, बचपन से रेसलिंग का शौक भी नहीं था। रेसलिंग करते करते फिर एक्टिंग की दुनिया में उतर आए और फिर एक्टिंग की दुनिया में ऐसे उतरे कि अब तो मूवीज मतलब हाईएस्ट पेड होते हैं। मतलब एक तो ड्वेन जॉन, वो एक तो वो रॉबर्ट डाउनी और एक इनका बताया बहुत हाईएस्ट पेड एक्टर है और मतलब मूवी में नाम से हिट हो जाते हैं मूवी इनके, इनके नाम से ही। फेवरेट मूवी कमेंट जरूर करना यार मेरे को। जुमांजी बड़ी मस्त लगती है। जुमांजी हो गई और एक वो थी रैम्पेज। रैम्पेज दो बीवी और डॉटर तीन बताई ना। और कार्स कलेक्शन भाई लाजवाब, मतलब नेक्स्ट लेवल। आपकी फेवरेट कार कौन सी है भाई वैसे कमेंट। मैं तो मतलब अगर वैसे इन जनरल पूछा ना, मेरी फेवरेट कार ऑल टाइम है रेंज रोवर इवोक, वेलार मिनी इवोक। इवोक कॉम्पैक्ट प्लस जो उसका लुक आता है ना इवोक का,
मस्त लगती है वो। बाकी गाड़ियां यार आती रहती हैं, हर 5 साल में ऐसी ऐसी गाड़ी आ जाएंगी अगले 5 साल बाद, तो आदमी सोचेगा भाई साहब ये तो सोचा ही नहीं था ऐसी गाड़ी महंगी। एंड हैट्स ऑफ टू डेडिकेशन यार, और बहुत कम एक्टर होते हैं जो बिल्कुल गंजे होने के बाद भी मतलब स्मार्ट लगते हैं। गंजे इन द सेंस बॉडी हमेशा शेव करके रखते हैं अपने सर को, बहुत स्मार्ट लगता है। और जो डेडिकेशन है इनका, और है नाम भूल गई, तो भाई एक चीज कहें, अगर आप चाहते इनकी डाइट के ऊपर भी वीडियो लेके आए तो कमेंट करना, तो जॉन्स की डाइट बहुत गजब है और जिम में तो इतनी मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और फटाफट से नई वीडियो के साथ जल्द ही। बाय, टेक केयर।